घने जंगल की गुफा में एक शेर रहता। वह गुफा में बड़े आराम से रहता और गुफा से बाहर निकलकर शिकार के लिए जाता। उसी गुफा में एक चूहे ने अपना घर बना रखा था। जब भी शेर शिकार कर गुफा में आता, जब वह सोता तो वह चूहा उसके बालों को नोच कर भाग जाता। जिससे शेर उठकर बहुत गुस्सा होता, अरे ये चूहे ने तो बहुत तंग कर रखा है, हर रोज आकर मेरे बाल नोच कर भाग जाता है, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। दूसरे ही दिन शेर शहर जाता है और शहर से पिंकी बिल्ली को साथ लेकर गुफा में आ जाता है। पिंकी बिल्ली शेर की बहुत सेवा करती, वहीं शेर पिंकी बिल्ली के लिए रोज नई नई मछलियाँ लाता और पिंकी बिल्ली मछलियाँ खाती। कुछ ही दिनों में पिंकी बिल्ली हष्ट पुष्ट और मोटी हो गई। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल गया होता है, उसी दौरान पिंकी बिल्ली चूहे को मार देती है और उसे खा जाती है। जब शेर शिकार कर आया तो पिंकी बिल्ली बहुत खुश, अरे महाराज मैंने उस चूहे को मार दिया है जो आपको परेशान करता है। शेर बोला, ठीक है चलो, छुट्टी मिली उस चूहे से। अब शेर सो गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। शेर बिल्ली के लिए शिकार और मछलियाँ लाना अब छोड़ दिया था। उसने कहा, अब बिल्ली का क्या काम। मछली ना मिलने के कारण पिंकी बिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वह दुखी रहने लग जाती है और गुफा छोड़कर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।